खरगोन शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बुधवार को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें जिले भर के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। संगठन के हीरालाल तिरोले राजेंद्र शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर संगठन में बतौर समय दानी कार्यकर्ता के रूप में काम करने की सहमति देने पर उनका शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान श्री तिरोले भावुक भी नजर आए। संगठन में रमेश पाटीदार ने बताया कि कार्यक्रम में सम्मान समारोह से पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ के रूप में विकसित करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही ध्येय मंत्रों में झलकता भारत विषय पर आधारित संगठन कैलेंडर का वितरण भी किया गया। सत्संग जिला इकाई खरगोन की सुबह से जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें विभिन्न योजनाएं संगठन की जो चल रही है उसकी समीक्षा की गई। जैसे हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ योजना, इसमें विद्यालय को तीर्थ के रूप में विकसित करना, इस पर चर्चा हुई। और एक कैलेंडर आया था राष्ट्रीय स्तर से, ध्येय मंत्रों में झलकता भारत, इस विषय को केंद्रित एक कैलेंडर था, उसका वितरण हुआ। वो विभिन्न स्कूलों में जिले की जाएगा और उससे हमारे राष्ट्रीय संस्थानों के क्या ध्येय हैं वो सब जानकारी बच्चों तक शिक्षकों तक पहुँचेगी। और अभी ये दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरे सत्र में हमारे जो दायित्ववान शिक्षक जो संगठन में किसी न किसी दायित्व पर हैं और आगे भी सेवानिवृत्ति के बाद भी संगठन को सेवाएं देना चाहते हैं, ऐसे शिक्षक साथियों का सम्मान समारोह है। कितने शिक्षकों की संख्या होगी? ऐसे दो शिक्षक अभी हैं। शिक्षक तो बहुत सारे रिटायर हुए हैं, लेकिन वो संगठन को जो दायित्व देने के लिए जो काम करने के लिए जो संकल्पित हुए हैं ऐसे शिक्षकों का सम्मान समारोह है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।